नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में जहां ताबड़तोड़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, सड़कें, नदी और पुल झरना बनते जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां आसमान से पानी नहीं बरस रहा था बल्कि उल्टे नदी से आसमान पानी खींच रहा था। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान कोका कोला की सिप मार रहा हो। ये खतरनाक नजारा है सीधी जिले के बोईमाड़ इलाके का, जहां सोमवार की शाम करीब 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच अचानक से तेज बवंडर आया और फिर हवा की तेज रफ्तार के बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। इस सब भगवान की कुदरत आई लाला है ना, इस तेज बवंडर के साथ देवरी बांध का पानी अचानक आसमान की ओर जाने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और बाइक रोक कर लगे वीडियो बनाने। इस दौरान कोई इसे कुदरत का नजारा बता रहा था तो कोई बांध के करीब जाने से भी डर रहा था। देखिए किस कदर ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए। मैं कहा इस सब भगवान की कुदरत आई लाला है ना, कभी नहीं बनी है, लगे दिमाग खराब है, घूमे फिरे पाइप लग से लेकर चपेट गई हुई आसमान में, देख ले चढ़ी हुई पानी, हम वहाँ का रंग का चढ़ा है, ये पानी पास आवत लग नहीं, बोले आवत ज्यादा है ना, देखा है आवाज कर लो, आवाज आवाज। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में सीधी जिले के भोईमाड़ में सोमवार को देवरी बांध में एक अद्भुत जल बवंडर जैसा नजारा दिखा। स्थानीय लोगों के मुताबिक तकरीबन शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में तेज आंधी सी आई और इसी दरमियान भोईमाड़ के पास स्थित देवरी बांध से पानी ऊपर आसमान की ओर जाने लगा। मध्य प्रदेश के इस नज़ारे को देखकर कोई इसे दैवीय चमत्कार मान रहा है तो कोई दुर्लभ वैज्ञानिक घटना। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के नज़ारे देखिए अमेरिका में अक्सर देखे जाते हैं, जिसे टोर्नेडो कहा जाता है, और जिस तरह से तूफान में तेज हवाओं की वजह से धूल का बवंडर बनता है, उसके दायरे में आई सभी चीज़ों को उड़ा ले जाता है, उसी तरह से ये पानी का बवंडर वहाँ मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ाता रहा। हरे भरे खेतों के बीच पानी के बवंडर का नज़ारा कुछ ऐसी तस्वीरें पेश कर रहा था मानो किसी गगनचुंबी फव्वारे से कोई बारिश करने वाले बादलों को ही पानी दे रहा हो। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये प्रकृति का अद्भुत दुर्लभ नज़ारा चलता रहा और इसके बाद पानी वापस आकर फिर से बांध में ही गिर गया। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना शायद पहली बार देखी गई हो और यही वजह है कि भाई लोग ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए और इसे चमत्कार मान रहे हैं।